हाय एवरीवन, नमस्ते, सस्वेगार, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद. सो मैं हुए शाली जी कैन कर्ट फेसमेंट और वेलकम टू सीयूटी बाय आटा 24/7. सो लेट्स स्टार्ट विद द वंडरफुल सेशन ऑफ टुडे. आज का सेशन लिटरली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज, साथ ही साथ उसके एनालिसिस, उससे रिलेटेड जीके जीएस फैक्ट्स, और यहाँ पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं. साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स का रिविजन भी करेंगे, और रिविजन के साथ साथ हम यहाँ पे स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे. ठीक है, तो ये सेशन लिटरली आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट से लाइक कर दीजिएगा. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो यू नो, नाउ कमिंग टू डिजिटल बोर्ड, अभी दो से तीन दिन बाद आपकी क्लासेस दोबारा से डिजिटल बोर्ड पे होंगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके. सो लेट स्टार्ट दी सेशन. ये सेशन आपके सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे यूजफुल है. और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करें, सो दिस सेशन इज फॉर यू, राइट? चलिए, साथ ही साथ गाइज, हमारी प्रतिज्ञा की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 2000 तरीके से सारी. सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, और मतलब 2000 तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं. हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो गया है, मंथ एंड सेल. अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे परचेज करना है, गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर. और या अगर आपको पता है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. बट बिफोर परचेज गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर, आई विल कॉल यू. ठीक है, जब मैं आपको कॉल करूं आई विल गाइड यू एंड यू हैव टू बाय दिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थॉट ऑफ द डे. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. ठीक है, वो कहते ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक लक्ष्य आपने तय कर लिया है, पूरे जोश और जुनून के साथ उस लक्ष्य पर आप लग चुके हैं. अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगे रहना है अंटिल एंड अनलेस यू गेट सक्सेस, राइट? चलिए, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं. हमारी कम्युनिटी है यू नो करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम, ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट है यहाँ पर, आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. सो ये जो सेशन है, लिटरली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो जीके जीएस फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड न्यूज और एमसीक्यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइज, यहाँ पर हम प्रीवियस मंथ्स के जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं, स्टैटिक जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर पेपर, आज के सेशन में हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं. जय श्री राम. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग. लेट स्टार्ट विद आर करंट अफेयर्स. इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंसल द मदरसा एजुकेशन एक्ट. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया है मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द. आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं गाइज, इस न्यूज में है क्या. देखिए, जो आपकी लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने डिक्लेयर किया है जो आपका यूपी बोर्ड है मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया है. ठीक है, बताया गया है. अब जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, हम सब जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारत का एक सबसे बड़ा कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हम कह सकते हैं ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है. ठीक है, एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है कि किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को, या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गवर्न करना है. ठीक है, और ये बताता है कि कैसे कोई स्टेट, कंट्री या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करे. और अगर मान लो कोई भी चीज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित होती है. ठीक है, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका है. क्या सभी को क्लियर है गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. अब एक चीज और यहाँ पे देखें, जो आपका ये जो कोर्ट है, ये द कोर्ट रूल्ड दैट द एक्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एज वेल एज सेवरल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द आर्टिकल 14, 21, 21A. यानी अगर हम यहाँ पर देखें, जो अदालत है उसने फैसला सुनाया है कि यह जो अधिनियम है यहाँ पे, ये धर्म
निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के जो अनुच्छेद है यानी 14, 21 और 21A सहित कई जो जितने अनुच्छेद हैं वो उसका यहाँ पे उल्लंघन करता है, और कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई कुछ भी अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है एडिशनली जो कोर्ट ने यहाँ पे ऐसे यू नो फाउंड किया, निकाला हुआ है कि जो एक्ट है ये वॉयलेट करता है सेक्शन 22 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956। यानी इसके अतिरिक्त जो अदालत है उसने पाया है कि यह जो अधिनियम है 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के धारा 22 का भी यहाँ पे उल्लंघन करता है। क्या सभी को क्लियर है गाइज? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें रिलेटेड टू हाई कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये न्यूज में है इसलिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में। क्लियर एवरीवन? अगर हम आर्टिकल 231 की बात करें, देखो आर्टिकल 14 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया हर एक स्टेट में। आर्टिकल 231 ये प्रोवाइड करता है दैट देयर मे बी वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यानी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। आर्टिकल 217 बताता है जो क्वालिफिकेशन है जज का, हाईकोर्ट के जज का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 217 आर्टिकल बताता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के, इनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम हाईकोर्ट के जज की बात करें तो वो रिजाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से अगर वो अपने प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं तो। अगर हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर उनको वो लेटर लिख देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर, तो वो रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको रिजाइन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखना पड़ता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है गाइज? एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको भी ईजी रहे। राइट, ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे जीके जीएस फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनसे संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में देखो जब भी हम यहाँ पे मुंबई की बात करेंगे, देखिए बेसिकली अगर महाराष्ट्र दादर है नगर हवेली दमन दीव की बात करते हैं तो ये आपका बॉम्बे है और यहाँ पे मुंबई बेंच बैठती है, पनाजी औरंगाबाद नागपुर। देखो इसमें ये आपका ये एक्स्ट्रा रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिलेटेड न्यूज जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ठीक है, ये दिस इज रिलेटेड टू योर एक्स्ट्रा नॉलेज। आगे अगर हम बात करें इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो क्या है, जस्टिस सतेंद्र कुमार सिंह बिकम्स द न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, न्यायमूर्ति सतेंद्र कुमार सिंह ये मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा न्यूज ये भी है कि जो आपका त्रिनेत्र है एक्ट 2.0, ये एम करता है कि हम यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज करेंगे आपकी जितनी भी उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है। यानी त्रिनेत्र एक्ट 2.0 का जहाँ पे जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश में जितनी भी पुलिसिंग में क्रांति यहाँ पर लाना है। जब भी हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं गाइस, याद रखिएगा जब भी हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे यानी यहाँ पे रेवोल्यूशन इन इंडिया जो आपका स्टैटिक का टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई बहुत बड़ा चेंज आता है ठीक है तो हम उसका क्रांति का यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो आपका त्रिनेत्र एक्ट 2.0 है यहाँ पे ये एम करता है कि यहाँ पे हम पुलिसिंग जो उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग है उसको हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्रांति हम लेकर आएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली दी धनबाद बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट डिक्लेयर्ड दी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हेन वाज दिस एक्ट पास? राइट, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है या एक्ट का पारित किया गया। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। 3 दिन बाद हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, सो देयर इज सम इश्यू विद द डिजिटल बोर्ड इसीलिए नहीं चल रहा है। 3 दिन बाद हम दोबारा से डिजिटल बोर्ड पे आएंगे एंड डोंट वरी, जस्ट बी इन द सेशन टिल द एंड। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, चलिए और
बस ऐसे लगे रहिए एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आई एश्योर। जीके एंड करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस सेशन से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2004। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, मुंबई ओवरटेक्स बेंजिन एज एशियाज हॉट स्पॉट, हुरुन की रिपोर्ट आई है। हर साल हमारा देखो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो एशिया ने अरबपति हॉटस्पॉट के रूप में मुंबई ने बेंजिन को यहाँ पे पछाड़ा है, हुरुन की रिपोर्ट आई है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2024 की, उसमें मुंबई ने बेंजिन को ओवरटेक किया है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरटेक किया है बेंजिन को टू बिकम द बिलेनियर कैपिटल ऑफ एशिया। और यहाँ पे बिलेनियर कैपिटल बन गया है एशिया का विद 92 बिलेनियर्स लिविंग इन द सिटी। अगर हम बात करें नवीनतम जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 आई है, उसके अनुसार मुंबई एशिया के जितने भी अरबपति हैं उनकी राजधानी बनने के लिए बेंजिन से आगे निकल गया है, और शहर में 92 अरबपति यहाँ पर रहते हैं अगर देखा जाए। तो याद रखिएगा, हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम कह सकते हैं ये आपके रैंक एंड इंडेक्सेस का एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो हुरुन की जो ग्लोबल रिच लिस्ट है 2024 की, यहाँ पर मुंबई ने बेंजिन को यहाँ पे रिटेक किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ओवरटेक किया है। ये चीज आप याद रखेगा। अगर हम स्पेसिफिकली हमारे मुंबई की बात करें तो हम सब जानते हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलेनियर कैपिटल है आपके वर्ल्ड में, और इसे हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं मुंबई को, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे, सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, बताइए फटाफट से। आप फटाफट से बताइए कि हमारा सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है। क्या हो गया दर्शना शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल गाइस, बताइए फटाफट से बताइए सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कॉल क्या है। बेटा याद रखिएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हमारा सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली इज द सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वेरी 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 गुड गाइज, वेरी गुड। अगर हम नई दिल्ली की बात करें, ये टॉप 10 में पहुंचा है पहली बार, ठीक है, और चाइना के रैंक में थोड़ा सा डिक्लिनेशन देखने को यहां पर मिला है। कुछ हम रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में 2024 में जितनी भी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है, ये 193 कंट्रीज में 134 रैंक पर है। याद रखिएगा, 193 में से 194 रैंक पर है। इंडिया जंप्स 14 रैंक ऑन यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इंडिया टॉप्स दी ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिप्री रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल आर्म्स रिपोर्ट में इंडिया टॉप पर है। अब इंडिया की पोजीशन 42nd है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में। ये सारी लिस्ट है रैंक एंड इंडेक्सेस की, ठीक है। साइबर क्राइम रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 80th है वर्ल्ड वाइड। वही अगर हम यूपी की बात करें, यूपी ने लीड किया है व्हीकल सेल्स अक्टूबर टू दिसंबर 2023, और महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू SIAM रिपोर्ट। थोड़ा सा हम अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। भारत का मानव विकास सूचांक 193 देशों में 134 स्थान पर है। अगर हम UNDP की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो लैंगिक समानता है सूचांक में भारत 14 पायदान की छलांग उसने लगाई है। भारत वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष पर है। फिर वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत का स्थान 42nd है। साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत दुनिया भर में 80th यहाँ पे पोजीशन पर है, 80वां यहाँ पे जो स्थान है इसका। अक्टूबर टू दिसंबर 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो जो आपका वाहन बिक्री में यूपी अग्रणी है, यानी यूपी नंबर वन है। महाराष्ट्र आपका सेकेंड पोजिशन पर है अकॉर्डिंग टू द SIAM रिपोर्ट, SIAM, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। जो आपका बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय ऑफ बिहार टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। गाइस अगर हम यहाँ पे पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें, भाई दिल्ली तो हमेशा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इस बार सर्वाधिक प्रदूषण शहरों की वैश्विक सूची में बिहार का जो बेगूसराय है वो भी यहाँ पर शीर्ष पर है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय है, ये आपके टॉप स्थान पर है, इस समय पहुंच चुका है लिस्ट में पॉल्यूटेड सिटीज में, ठीक है।
अब अगर हम नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो अब फिनलैंड ने टॉप किया है आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपोल फेवरेट ईयर रैंकिंग, अफगानिस्तान लास्ट प्लेस पे है, तो फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष है खुशहाली रैंकिंग में। ठीक है, फिनलैंड देखो जब भी हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा क्या रहता है, फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है। कभी भी आपसे हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट पूछे तो हमेशा फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है और काफी सालों से ये फिनलैंड ही टॉप पर रहा है। ठीक है, तो कभी भी आए तो आप क्या करना, आप फिनलैंड टॉप पर कर देना। क्लियर एवरीवन? मैं तो बेगूसराय में रहता हूँ। अच्छा जी, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज हुरन रिपोर्ट विच कंट्रीज मुंबई हैज ओवरटेकन बेंजिन एज एशियाज बिलियन एंड हॉटस्पॉट, बताइए। हाल ही में जारी हुरन रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति हॉटस्पॉट के रूप में मुंबई ने किस देश के बेंजिन को यहाँ पे पछाड़ दिया है। अब एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए जब भी मैं आपको ये वाली क्लास कराती हूँ, ये रोज क्लास सुबह 8 बजे होती है, आप सभी को मेरे साथ सुबह 8 बजे लाइव आना है। ठीक है, ये आपकी जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास है जहां पर हम एक करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उस पर बेस्ड एनालिसिस करते हैं, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं, रीसेंट न्यूज जो उसी पर बेस्ड है उसको करते हैं और जीके जीएस फैक्ट्स करते हैं। इसके साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स का रिविजन भी कर रहे होते हैं प्रीवियस मंथ्स के, इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे और स्टैटिक जीके भी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक कंबाइंड सेशन होता है धुआंधार तरीके का, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये समझ लो तुम्हें रामबाण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये सेशन तो जस्ट वॉच टिल दी एंड, वॉच रेगुलरली कंसिस्टेंटली। पीडीएफ के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं vaishali.pandey@the_rate@the247.com पे। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे मेल कर देंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, दैट इज चाइना। करेक्ट आंसर हियर विल बी चाइना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे गाइस। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, कश्मीर वैली एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ओपन फॉर पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, कश्मीर घाटी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है जनता के लिए खुल चुका है। साथ ही साथ हमारे नई दिल्ली में जो आपका अमृत उद्यान है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया था ना, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया था। अभी अमृत उद्यान अगर आपको घूमना है तो वो 31 मार्च तक खुला है, आप जाकर विजिट जरूर कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके लिए पहले टिकट जीरो जीरो फीस है अमृत उद्यान में जाने के लिए जो नई दिल्ली में खुला हुआ है, आप डेफिनेटली जाइएगा। ठीक है, तो कश्मीर वैली एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इट इज ओपन फॉर पब्लिक। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर वैली जो कि लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है आपके एशिया की बात करें, एशिया में लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर वैली, जो ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इस साल ये जो गार्डन है ये ब्लूम करेगा, यहाँ पर भाई 17 लाख फ्लावर्स लगाए जाएंगे डिफरेंट वेराइटीज के। ठीक है, और जिसमें इस बार उन्होंने 5 न्यू फ्लावर की वेराइटी इस साल ऐड की है इसमें। साथ ही साथ अगर बात करें, ये आपका जो आपका जबरवान माउंटेन रेंज है वहां के वहां पर लोकेटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ मेजेस्टिक वर्ल्ड फेमस दाल लेक। ठीक है, वहां पर ये लोकेटेड है, यह जबरवान पर्वत श्रृंखला के जो आपका तलहटी और राजसी विश्व प्रसिद्ध डल झील के तट पर स्थित है, मतलब थोड़ा फुटहिल्स पे है ये। और इस वर्ष यह उद्यान विभिन्न किस्मों से 17 लाख फूलों से खेलेगा, जिसमें इस वर्ष 5 नए फूल की यहाँ पे किस्में भी यहाँ पे शामिल होंगी, विच इज वेरी ब्यूटिफुल गाइज, एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जीके जीएस फैक्ट्स देखेंगे। देखिए, जब भी हम जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात करें तो जो मेजर पासेस हैं जम्मू कश्मीर में, आपका यहाँ पे पीर पंजल पास है, ठीक है, आपका लोजीला पास है, फिर बनिहाल पास है और खरदंग ला पास है। मेजर लेक यहाँ पे कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, डाल लेक है, वूलर लेक है और आपका शेषनाग लेक है। ठीक है, शेषनाग लेक। यहाँ पे जो की फैक्ट्स हैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, इट इज श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ पे, मनोज सिन्हा है और यहाँ पे लोकसभा में 5 सीट यहाँ पे शामिल है। ठीक है, डेफिनेटली कवर करवा देंगे ऋतुराज, डोंट वरी गाइस, हैव ट्रस्ट ऑन मी। इस सेशन को लगातार देखना एग्जामिनेशन तक, आई मीन मई में, अप्रैल लास्ट से ही हम धुआंधार तरीके से मैराथन करेंगे और 6 महीने की 8 महीने की करंट अफेयर, स्टैटिक जीके,
जितने भी आपकी न्यूज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपका ओवरऑल वन शॉट है वो पूरा ऑर्गेनाइज होगा। बट उसके लिए आपको ये सेशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से आपके काफी क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप आज से भी इसको तैयारी अच्छे से करते हैं ना, डेली करंट अफेयर्स की, डेफिनेटली आई अश्योर यू आपका एक एक चीज तैयार हो जाएगा। बस आपके पास जो एक डेढ़ महीना बचा है, लग जाइए पूरी तरीके से, एकदम एकदम पूरी तरीके से लग जाइए। यहाँ पे 485 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। आई वॉन्ट एवरी वन की यहाँ पे लगभग 1000 लाइव आए, जो रिकॉर्डेड है वो भी लाइव आए और धुआंधार तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके प्रमुख दर है वो आपके पीर पंजल दरा है, फिजोरी ला दरा है, बनिहाल दरा है, खारगुन ला दरा है। प्रमुख झील कौन कौन से है? डाल झील, बूलर, शेषनाग। फिर प्रमुख तथ्य कौन से? राजधानी श्रीनगर है, उपराज्यपाल यहाँ पे मनोज सिन्हा, और लोकसभा कितनी सीट है? 5 सीट है, ठीक है। कोई बात नहीं नितिश, अब आज से रेगुलर हो जाओ। रीसेंट न्यूज यहाँ पे देखेंगे, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है 10% रिजर्वेशन जितने भी आपके पहाड़ीज हैं, और ये जो पहाड़ीज हैं ये नए ट्राइब्स हैं, तो इनके लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने पहाड़ी जितने भी नए जनजातियां हैं उनके लिए 10% आरक्षण की यहाँ पर मंजूरी दी है, विच इज अ वेरी बिग थिंग गाइज, वेरी बिग थिंग। अब यहीं पर जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है, देखिए यहाँ पे कश्मीर ने होस्ट किया है फर्स्ट एवर फॉर्मूला 4 कार रेस, विच इज शोन इन श्रीनगर। तो कश्मीर ने श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो की यहाँ पे मेजबानी की है, याद रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन वॉज ओपन टू द पब्लिक, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। यानी हाल ही में एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो जनता के लिए खोला गया है, और यह किस राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट से गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बताइए फटाफट से। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप मुझे मेल करिएगा, everyone will mail me vaishali.pandey@247.com। आप सभी मुझे मेल करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, धुआंधार तरीके से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ विल बी जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट आंसर यहाँ विल बी जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपके क्षुद्र ग्रह है उसका नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। जो आपका एस्टेरॉइड है इट वॉज नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर जयंत मूर्ति, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड देखते हैं इसमें और क्या है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU इन्होंने बेस्टे किया है एक रेयर ऑनर हमारे इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ते, ठीक है, बाय नेमिंग एन एस्ट्रोनॉट आफ्टर हिम, ठीक है। ये जो आपका एस्टेरॉयड है, ठीक है, एस्टेरॉयड का नाम इनके नाम पर रखा गया है, जयंत मूर्ते के नाम पर, ये चीज आप याद रखिएगा। आपका जो IAU है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेमिंग दी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन दी सोलर सिस्टम। तुम समझ रहे हो, अगर अंतरिक्ष में कोई चीज अगर आपके नाम पर रख दी जाए तो इट इज सो अमेजिंग, है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए। अगर कोई चीज आपके नाम पर रखी जाए पूरे सोलर सिस्टम में तो वो कितनी बड़ी उपलब्धि है यार, उसको मतलब पूरा पूरा हम कह सकते हैं पूरा दुनिया, पूरा देश उस चीज को यहाँ पर देख रहा है ना। तो जो आपका एस्टेरॉयड है ये प्रीवियसली कैटलॉग था 2005X296 का, ये डिस्कवर किया गया था 2005 में। इट्स ऑर्बिट्स द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर अप्रोक्सीमेटली एवरी 3.3 इयर्स। यानी अगर हम IAU के बारे में बात करें तो ये जो आपका सौर मंडल है उसमें छोटी वस्तुओं का नामकरण के लिए जिम्मेदार यहाँ पे जिम्मेदारी लेता है या जिम्मेदार है कह सकते हैं, जो क्षुद्र ग्रह के पहले 2005X296 के रूप में सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया था और इसकी खोज 2005 में हुई थी।
अगर इसकी बात करें, यह लगभग हर 3.3 वर्ष में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की यहाँ पे परिक्रमा करता है। ठीक है, मेरे नाम पे कुछ रख दो। हाँ, डेफिनेटली 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 गाइस, अगर किसी के नाम पे कुछ रख दिया जाता है ना सोलर सिस्टम में, ये तो यहाँ पे लोगों के उनकी जयंती पर एक दिन छुट्टी मिल जाती है ना, महात्मा गांधी की जयंती होती है। मतलब जब आप इस दुनिया से जाओ तो मतलब कुछ ऐसा करके जाओ कि एक रोड आपके नाम पर हो, एक दिन आपके नाम पे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। ठीक है, और सोलर सिस्टम में अगर आपके नाम पे कुछ रख दिया गया तो मतलब ये कितनी बड़ी उपलब्धि है यार, मतलब इट इज अमेजिंग। ठीक है, टेक बॉयज बोले वैशाली मैम प्लैनेट, चुप रहो बस। ठीक है, क्षुद्र ग्रह से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मैम आज से मेरे नाम का रोहित मोहन है। हाँ, ऐसे नहीं रहेगा, जब सरकार रखेगी तब मानेंगे ना। देखिए, जब सरकार रखेगी तब माना जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो जो आपका अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें, इसको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली रॉकी रिमेन्स जो यहाँ पे दे आर दी रॉकी रिमेन्स विच इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम दी अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मच ऑफ दिस एशियन स्पेस डेब्रिस कैन बी फाउंड विद इन दी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट ऑर्बिटिंग आवर सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज कॉल्ड सिरिस एंड इट इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द मून, राइट। तो अगर यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की बात करें तो जिसमें कभी कभी लघु ग्रह भी कहा जाता है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के जो प्रारंभिक गठन था उससे बनी ये जो अवशेष है, यहाँ पे चट्टानी अवशेष है। इस प्राचीन अंतरिक्ष मलबे का जो अधिकांश भाग है वह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर मंगल और बृहस्पति के बीच हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जा सकते हैं। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह को अगर बात करें तो ये सेरेस कहा जाता है। ये चंद्रमा के आकार का लगभग 1/4 है, ये चीज आप याद रखिएगा। मैम मेरे नाम पे आदित्य L1 रखा गया है। अच्छा जी, ऐसा है क्या, बढ़िया। आइए इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। SpaceX ने लॉन्च किया है मीथेन सैट, इट विल ट्रैक द मीथेन गैस, ये याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, SpaceX ने लॉन्च किया है मीथेन सैट, ये करेगा मीथेन गैस को ट्रैक। बहुत बड़ी चीज है, ये भी एक रिसेंट न्यूज थी इससे रिलेटेड। अगर हम बात करें लार्जेस्ट वॉल्केनो की तो ये मार्स पे फाउंड हुआ है। अच्छा ये बताओ, मार्स को क्या कहा जाता है, मार्स का दूसरा नाम क्या है, बताइए फटाफट से सभी लोग बताइए, मार्स का दूसरा नाम क्या है। मंगल ग्रह पर मिला है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, अच्छा मैम आपके नाम पे तो ट्रेन भी चलती है, वैशाली एक्सप्रेस। हाँ, वैशाली सिटी भी है बिहार में। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दी MCQs। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर डैश दी एस्टेरॉइड वॉज नेम्ड आफ्टर। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर डैश के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा। अंश बोल रहे मैम टॉक अबाउट 6th schedule। तो जब भी हम 6th schedule की बात करेंगे हम क्या बात करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, टॉक अबाउट वाई शुड बी टॉक अबाउट 6th schedule, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है ना। ये आपके स्केड्यूल्स को याद करने की ट्रिक है जो कि मैं आपको प्रतिज्ञा बैच में भी पढ़ाने वाली हूँ और यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है ये 6th schedule है ना। टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, पहला स्केड्यूल डील करता है टेरिटोरियल से। ई स्टैंड फॉर एमोलमेंट्स, दूसरा स्केड्यूल डील करता है एमोलमेंट से। ए स्टैंड फॉर एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन। आर मतलब राज्यसभा। ठीक है, एस देखिए, एस मतलब शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एस मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फिर एफ मतलब फेडरल यानी डिवीजन ऑफ पावर, ओ मतलब ऑफ, एल मतलब लैंग्वेज, सॉरी एल मतलब लॉ। ठीक है, डी मतलब एंटी डेफिकेशन लॉ, पी मतलब पंचायत और एम मतलब म्यूनिसिपैलिटी। तो ये आपका ये चीज है, तो आप इसको बाद में मैं पढ़ाऊंगी, इस पे अभी क्या बात करें। ठीक है, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर डैश द एस्टेरॉइड वॉज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे रखा गया है फटाफट से बताइए, जयंत मूर्ते के नाम पे रखा गया है। अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम यहाँ पर रखा गया है, जयंत मूर्ते। ठीक है, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं धुआंधार तरीके से। फूल बहादुर फर्स्ट मगही नॉवल इन इंग्लिश विच वॉज लॉन्च बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर। फूल बहादुर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज को। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दो। देयर आर 505 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग हियर, विच इज अ वेरी बिग थिंग गाइस।
फटाफट से एक बार सेशन को फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे, फटाफट से सभी लोग सेशन को धुआंधार तरीके से शेयर डेफिनेटली कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है जो आपका मगही नॉवल है फूल बहादुर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। ये ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय इंडियन पोएट डिप्लोमेट, जिनका नाम क्या है, अभय कुमार, ठीक है, अभय के बोल सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मगही उपन्यास फूल बहादुर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भारतीय कवि राजनीतिक अभय के हैं, उन्होंने किया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए अगर बात करें, ये आपके पटना में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और ये बेसिकली फोर्थ एडिशन है आपके ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का, पब्लिश किया गया है 1928 में, आपके जयनाथ पति हैं बिहार के, वहां उन्होंने किया था ये बुक। एक एक्चुअली क्या करता है ये, बेसिकली जो हमारी यू नो जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है बिहार में, ठीक है, जो वहां की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यह पुस्तक बिहार के जो तत्कालीन समाज और नौकरशाही पर एक हास्यप्रद यहाँ पे प्रतिबिंब है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, चलिए बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे हम कुछ एशियंट इंडिया से। एवरीवन एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल। यहां पे अगर बात की जाए, ये फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं हमारे एशियंट इंडिया से। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बुक है मुद्राक्षा, ये आपके सीयूटी के पेपर्स में पूछा गया था, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है, विशाखा दत्ता ने लिखी है। राज तरंगिनी किसने लिखी है, कल्हाना ने, ठीक है। राज तरंगी किसने लिखी है, मैम ब्लैक कुर्ता अच्छा लग रहा है आपका, मैम ब्लैक कुर्ता अच्छा लग रहा है, टेक बॉय तुम ब्लैक कुर्ता क्या देख रहे हो, पढ़ाई करो थोड़ा सा, है ब्लैक कुर्ता अच्छा लग रहा है आपका, कुछ भी। अब यहाँ पे बात करेंगे कथा सरित सागर, देखिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बकवास कोई भी न्यूज नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, जो आपके द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है सारी चीजें यहाँ पे कवर की जा रही है, ठीक है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के ऑथर कौन है, सोमदेव। कामा सूत्रा किसने लिखी है, वत्सायन ने, ठीक है। फिर आती है एक बुक आती है जिसका नाम है प्रश्नोत्तरलिका, तो ये बुक लिखा है अमोघ वर्षा ने। स्वप्न वाजदत्तम ये लिखा है भास ने, ठीक है। फिर आता है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र लिखा है अश्व घोष ने। फिर आपका नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भारत ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन आता है कुछ हमारे एशियंट इंडिया की और बुक्स है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ये आपकी जो बुक है ये आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी पूछी गई थी, ठीक है। अमर कोश किसने लिखी है, अमर शमा ने। फिर पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है, वरमिहार ने। सूर्य सिद्धांतिका किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। तो ये आपका, अगर हम बात करें, ये स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है, स्टैटिक जीके के बुक्स एंड ऑथर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नीति सारा, नीति सारा किसने लिखा है, कमंडक ने, ठीक है। फिर एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति किसने लिखी है, रवि कृति ने। इंडिका आप सब जानते हैं, इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थेनीस ने गाइस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा है। चरक संहिता, चरक ने लिखा है। लीलावती, भास्करा ने लिखा है। और यहाँ पे कदम्बरी आपके हर्षवर्धन ने लिखी है गाइस। यहाँ पे जो हमारी प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा बैच में हम सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कर रहे हैं, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स 2023 की, फिर मंथली करंट अफेयर्स जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम है प्रतिज्ञा बैच का, जिसमें हम प्रैक्टिस भी आगे करेंगे। ये जो यूट्यूब का सेशन है ये आपका ओवरऑल सेशन है जिसमें हम सारी चीजें करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीके का रिविजन सेशन है जो आपके लिए रामबाण है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए बी कंसिस्टेंट विद दिस सेशन एंड ऑल्सो योर पेड बैच, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे नीति सारा की बात करें, कमंडक ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनी ने, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने। फिर अगर हम बात करते हैं आपका नैषाद चरित्र, श्री हर्ष ने लिखा है। फिर है आपका मृच, फिर क्या है आपका मृचतका, ठीक है, ये आपका सुदक्रा ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। नवरत्न आपका वीर सेना ने लिखा है, ठीक है। ओके, ये जो बुक है ये हम आपके मेडिवल इंडिया से बुक है, ठीक है। फतुहत ए फिरोज, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है इस बुक को। फिर आपका खामसब, ये आमिर जी ने लिखा है। फिर आपका क्या है, खजाने उल फुतुह, ये आपका आमिर ने लिखा है। फिर किताब किताब फिर तकीक, ये अलबरूनी ने लिखा है।
फिर नूह से फिर लिखा है आमिर ने, फिर किताब उल राहा लिखा है इब बतूता ने, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, शाह नब आमा लिखा है फिरदौसी ने, राइट। ये जो बुक है ये आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। फिर आपका यहाँ पे तहकुक ए इंद किसने लिखा है, अरबरूनी ने। फिर आपके तबकाते नासिरी ये लिखा है मिनहज उस सिराज ने, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहांगीर, जहांगीर नामा ये किसने लिखा है, जहांगीर ने, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी देखिए जो आपकी एशियंट इंडिया की बुक है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, मेडिवल इंडिया से अभी तक तो कोई बुक नहीं आई है, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूज देखते हैं, रिसेंटली जो बुक्स एंड ऑथर्स हमारे रिलीज हुए हैं, अगर हम बात करेंगे गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई, तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किया है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन, ठीक है। गाइस आप एशियंट इंडिया की बुक्स तैयार कर लीजिएगा, एशियंट इंडिया की बुक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। और एशियंट इंडिया के साथ साथ मॉडर्न इंडिया की भी बुक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया की बुक्स, ठीक है, जैसे हिंद स्वराज हो गया, ठीक है। फिर आपकी जितनी जो आपके यू नो शशि थरूर ने बुक्स लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टैटिक में करेंगे, परेशान मत हो स्टैटिक जीके में। फिर आता है आपके पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है, यू नो आपकी ये जो बुक है सागर परिक्रमा पे लॉन्च की गई है, ये बुक लिखी गई है सागर परिक्रमा पे राजकोट गुजरात में। तो यानी पुरुषोत्तम रूपाला ने राजकोट गुजरात में किया है सागर परिक्रमा पर पुस्तक का विमोचन, ये आप याद रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली द फर्स्ट मगही नॉवल इन इंग्लिश वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी में पहला जो मगही उपन्यास है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। एस्थेटिक सिंगर, बेटा प्रतिज्ञा बैच की जो क्लासेस हैं वो पेड क्लासेस हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, डी, दैट इज फूल बहादुर। फूल बहादुर, यार फूल बहादुर से याद आया, फर्स्ट अप्रैल को क्या है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो दीपेंद्र गोयल है ये जोमैटो के सीईओ बनाए चुके, मतलब बनाए गए हैं, दीपेंद्र गोयल जोमैटो के सीईओ बने हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जोमैटो स्टॉक रोज ओवर 1.35% टू रुपीज 176.45 एंड टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस्ड रुपीज 1.55 लाख करोड़। आपको पता है क्या, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ जोमैटो, इट इज दीपेंद्र गोयल, ठीक है। दीपेंद्र गोयल आपके जोमैटो के सीईओ यहाँ पर बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। अगर हम यहाँ पे 2024 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात करें यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो अरविंद कपिल, इनको यहाँ पे फिनकॉर्प का सीईओ बनाया गया है। पीएनजी इंडिया ने अनाउंस किया है जो आपके कुमार वेंकट सुब्रमण्यम है, ठीक है, वेंकटा सुब्रमण्यम, इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है। टाटा एआईए लाइफ ने अपॉइंट किया है आपके वेंकटा चलाम को एमडी और सीईओ। रवि कुमार झा को एमडी और सीईओ बनाया गया एलआईसी म्यूचुअल फंड का। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो फिनकॉर्प है इट इज इंपॉर्टेंट, अरविंद कपिल इनको फिनकॉर्प का सीईओ यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूज देखते हैं, किरण रिजू गेट्स एडिशनल चार्ज आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ पशुपति पारस। देखिए पशुपति जो आपके पशुपति पारस जी हैं उनके इस्तीफे के बाद जो किरण रिजू हैं इनको मिला है अतिरिक्त प्रभार। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अभी किरण रिजू जी का पोर्टफोलियो क्या है, किरण रिजू जी का पोर्टफोलियो क्या है बताइए। और इसके साथ ही साथ मनोरमा ऑनलाइन सीईओ मरियम मैथ्यू बिकम्स डीएनपीए प्रेसिडेंट। आपकी जो मनोरमा ऑनलाइन की जो सीईओ मरियम मैथ्यू है ये डीएनपीए की भी अध्यक्ष यहां पे बनाई जा चुकी है। एमडी का फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है सरोज। लद्दाख में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड जो न्यूज है वो हम देखेंगे, तब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द
सीईओ ऑफ जोमैटो, जोमैटो के सीईओ के लिए किसे नियुक्त किया गया, बताइए फटाफट से। पूर्वी सिंह, आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, आप पीडीएफ के लिए मुझे मेल कर सकते हैं सभी लोग, vaishali.pandey@adda247.com पे, vaishali.pandey@adda247.com, ठीक है, क्लियर एवरीवन। बताइए फटाफट से, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। योर करेक्ट आंसर यहाँ विल बी दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र गोयल। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड आवर करंट अफेयर्स बेस्ड एनालिसिस, एमसीक्यू सेशन वी हैव कंप्लीटेड, जीके जीएस फैक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड, ऑल्सो दी यू नो रीसेंट न्यूज रिलेटेड टू इट। तो आज हमने स्टैटिक में बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा है, इसी को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, और कल हम मॉडर्न वाला पढ़ेंगे, मॉडर्न जो आपके मॉडर्न इंडिया से जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक की बुक्स है, ठीक है। आइए प्रीवियस मंथ्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिविजन करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पिछले मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसका रिविजन है। हु विल अटेंड द चीफ गेस्ट एट द कार्बी यूथ फेस्टिवल, कार्बी युवा महोत्सव में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट से गाइस, वेरी गुड। कार्बी युवा महोत्सव में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, बताइए। हु विल अटेंड द चीफ गेस्ट एट द कार्बी यूथ फेस्टिवल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अटेंड यू नो ही जो हमारे प्रेसिडेंट है, शी विल बी द चीफ गेस्ट एट कार्बी यूथ फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इन द नेक्स्ट 5 years, बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले 5 वर्षों में कितने उपग्रह लॉन्च करेगा। जब भी हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी इसरो की बात करेंगे, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो का हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, ठीक है, बेंगलुरु में, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी बोला जाता है, इसे हम आईटी कैपिटल भी बोलते हैं या आईटी हब बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। बताइए आंसर यह विल बी 50 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, दिव्य कला मेला का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, दिव्य कला मेला कहां पर किया जा रहा है बेटा, बताइए फटाफट से। दिव्य कला मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, करेक्ट आंसर यह विल बी सूरत, ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, Which country's president has declined BRICS membership? ये बहुत important है, याद रखिएगा, जब भी हम BRICS की बात करते हैं, BRICS आपका 5 member nation है, 5 member nation, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। BRICS B का मतलब क्या है, B का मतलब है ब्राजील, R मतलब रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, और S मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब ब्रिक्स समिट हुई थी, तो ब्रिक्स समिट में ऐसा बोला गया था कि 6 member countries जो है वो परमानेंट मेंबर बनेंगी ब्रिक्स की, लेकिन यहाँ पे जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट उस समय, पहले जब ब्रिक्स हुआ था तो कोई और प्रेसिडेंट था, अब जब ब्रिक्स समिट हो गई, जब एक्चुअल में मेंबर्स बनाने की बात आई तो कोई और बन गए, तो अर्जेंटीना के जो बाद में जो बने हैं हेड, उन्होंने बोला कि भाई हम तो उस समय थे नहीं, तो हम क्यों बने ब्रिक्स का पार्ट, है ना, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। तो अब प्रेजेंट में कौन है, इसकी ट्रिक ये याद करने की क्या है, आईसीयू, आईसीयू का मतलब क्या है, ईरान है जो परमानेंट मेंबर्स बने हैं, इन 5ों के अलावा, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ठीक है, इथोपिया, फिर इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपके एक्स्ट्रा 5 member countries जो पार्ट अभी परमानेंट मेंबर हैं, तो 10 members आपके ब्रिक्स का पार्ट बन चुके हैं। क्या सभी को क्लियर है, बताइए सभी को क्लियर है गाइस, एक बार धुआंधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सी आंसर यह विल बी अर्जेंटीना, ठीक, चलो
नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 1st 2024 डीआरडीओ विच ऑर्डर इज द फाउंडेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड. 1st जनवरी 2024 को डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, नई दिल्ली में. ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑन जनवरी 1st 2024 डीआरडीओ विच ऑर्डर इज द फाउंडेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड. बताइए 1st जनवरी 2024 को डीआरडीओ की कौन सा क्रम का स्थापना, यहां पर ये स्थापना दिवस मनाया गया. एस्पायरेंट, अभी हम तुमको सी का मतलब बताते हैं, ठीक है, पढ़ाई करो थोड़ा सा. सी का मतलब क्या है, सी फॉर कैट, बिल्ली, ठीक है ना. हाँ, सी फॉर काउ भी होता है और सी फॉर सीयूईटी भी होता है, पता है, जो भी तुमको पेपर देना है नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ, राइट. सी फॉर सीयूईटी एंड सी फॉर सीयूटी अडा 24/7. चलिए बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा. कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं. ऑन जनवरी 1st 2024 डीआरडीओ विच ऑर्डर इज द फाउंडेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड. इस बार हमने कौन सा एडिशन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया बेटा, इट इज 66th फाउंडेशन डे हमने इस बार ऑब्जर्व किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड आर करंट अफेयर्स बेस्ड एवरीथिंग. निचोड़ के रख दिया हमने करंट अफेयर्स को, क्योंकि हमने एनालिसिस भी किया, रीसेंट न्यूज भी पढ़े उससे रिलेटेड, जीके जीएस फैक्ट्स भी देखे और यहाँ पे एमसीक्यूज भी किया. ठीक है, हमने उसके बाद प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स का रिविजन किया. तो स्टैटिक जर्नल नॉलेज में आज समझ लो हमने बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट वन किया है. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट वन, कल हम पार्ट टू करेंगे. और दूसरी चीज ये है, कल हम मॉडर्न इंडिया के बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. लाइन वाइज हमने सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर, अभी रैंक एंड इंडेक्सेस हमने कर लिया था 5-6 दिन पहले. चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये तो आपको मैंने बताया था. नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया हमारी वेबसाइट है जहां से आप इसको पढ़ सकते हो. हुज हु सेक्शन में डांसेस कर लिया था हमने, क्लासिकल डांस. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हम करेंगे एज सून एज बुक्स एंड ऑथर्स गेट्स ओवर. ठीक है, आइए करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर. और पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का. डैश इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से. डैश इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बताइए, डैश इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, सेकेंड, इट इज ब्रोमीन. ये मैं आपके लिए कर दे रही हूं, इट इज ब्रोमीन. ठीक है, करेक्ट आंसर यहां विल बी ब्रोमीन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओनली फिल्म मेकर टू गेट भारत रत्न अवार्ड वॉज डैश. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. एकमात्र फिल्म मेकर जिनको भारत रत्न से अवार्ड दिया गया, बताइए कौन थे. सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए अगर हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, सिविलियन अवार्ड की बात करें, सबसे नंबर पहले नंबर पे आता है भारत रत्न. ठीक है, एक बार क्वेश्चन में आया था आपके पेपर में, अरेंज करने को, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अरेंज करने को आया था. तो एक तो भारत रत्न होता है, एक पद्म अवार्ड होते हैं, दो होते हैं, तो अरेंज करने को आया था. तो पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री. याद है, भारत रत्न पहला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, याद रखिएगा. इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड होगा, सत्यजीत रे. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, ये आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है आपका. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, और पोटैटो से रिलेटेड हमारा रेवोल्यूशन कौन सा है ये भी बताइएगा. पोटैटो से रिलेटेड हमारा रेवोल्यूशन कौन सा है और साइंटिफिक नेम क्या है पोटैटो का, ये आपका होमवर्क है जो आपको आज करना है. क्लियर एवरीवन. कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, होमवर्क जरूर कीजिएगा. साथ ही साथ गाइज, हमारी प्रतिज्ञा बैच की क्लासेस, आज सेकेंड क्लास थी और मंथ एंड सेल चल रहा है 2-3 दिन. फटाफट से जाके, इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड दी प्रतिज्ञा बैच एंड यू सिंसियरली वॉन्ट कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर. आप मुझसे ही गाइडेंस लेके आप बैच को परचेज कीजिएगा. ठीक है, मैं खुद आपको कॉल करूंगी. ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं. मेल आईडी मेरी क्या है,
वैशाली.पांडे@the24/7.com पे। और अगर आपको पता है कि कैसे बैच परचेज करना है तो आप ये कूपन कोड यूज करेंगे Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, सो आई होप यू लव दी सेशन राउंड रेवोल्यूशन, वेरी गुड निधि। होमवर्क आपका ये है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम, पोटैटो से रिलेटेड रेवोल्यूशन कौन सा है, दिस विल बी योर होमवर्क, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे, आई होप यू लव दी सेशन। डिजिटल बोर्ड पे हम 1 अप्रैल से पढ़ाएंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इसी तरीके से आप कंसिस्टेंट रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम मैराथन्स कर रहे होंगे, हम वन शॉट्स कर रहे होंगे, धुआंधार तरीके से जीके एंड करंट अफेयर्स में एक एक क्वेश्चन हमें निचोड़ के रखना है, ताकि हमें हलवा लगे पेपर अपना जीके करंट अफेयर्स का, जनरल टेस्ट का, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।